दरअसल जब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था तो दलील थी कि इससे उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी, लेकिन उल्टा स्मार्ट मीटर ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया। बिजली बिल अब पहले के मुकाबले दोगुना हो गया है। चूंकि स्मार्ट मीटर प्रीपेड है, ऐसे में स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना होता है, पैसा पहले लगता है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। गाँव गाँव से शिकायतें आ रही हैं, जिसके बाद RJD ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर के अनाप शनाप रीडिंग से उपभोक्ता परेशान है। स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल सीधे डबल आने लगा है। पटना के SK नगर इलाके के जनार्दन कहते हैं, पहले 8,000 बिल आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब 18,000 से लेकर 20,000 तक बिल आता है। तो जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती के बाद नहीं होता है तो प्रशासन के लेके आता है, साथ में प्रशासन से कहता है कि खड़ा होकर लगवाता है। अच्छा, आप लोग क्या मना भी किए थे क्या स्मार्ट वाले? मना किए, बोले कि नहीं लगाइए, नहीं लगाइए, हम लोग कहाँ से बिल भरेंगे। तो कि नहीं, सरकार के आदेश है, नहीं तो नोटिस भेज देंगे। परेशानी क्या हो रहा है? क्योंकि परेशानी आप लोग बता रहे हैं कि बिजली बिल भी ज्यादा, बिजली बिल तो ज्यादा आ ही रहा है। जहाँ 8,000 आता था वहाँ 18,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, तो परेशानी है ये है। स्मार्ट मीटर की ये शिकायत सिर्फ जनार्दन की नहीं, बिहार के अलग अलग जगहों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में बिहार में स्मार्ट मीटर पर अब सियासी गदर शुरू हो गया है। 1 अक्टूबर को RJD स्मार्ट मीटर हटाओ आंदोलन करेगी। प्रखंडवार प्रदर्शन का कार्यक्रम है। वहीं RJD के आंदोलन पर BJP ने आपत्ति जताई। 1 अक्टूबर से पूरी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर के आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। वो ज्वलंत समस्या है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट। RJD दो मुंह से बात करता है। एक मुंह से बोला कि हम बिजली फ्री देंगे, तो जब बिजली फ्री देगा तो फिर मीटर लगने न लगने से क्या फर्क पड़ता है? विधानसभा चुनाव के बाद उसने वादा किया है, तो RJD को काहे चिंता करना है। वहीं कांग्रेस स्मार्ट मीटर को बड़ा घोटाला करार दे रही है। कह रही है कि स्मार्ट मीटर की जांच होनी चाहिए। स्मार्ट मीटर से पूरा बिहार परेशान है, तो JDU तीखी प्रतिक्रिया आई है। नहीं नहीं, स्मार्ट मीटर के खिलाफ सेवा दल ने एक सप्ताह पहले यात्रा शुरू की थी, आज गया में उसका समापन होना है। स्मार्ट मीटर में जिस तरह का घोटाला है उससे आम लोग परेशान हैं, बिहार भर में लोगों को परेशानी हो रही है। बिल ज्यादा आ रहा है, एकाएक बिल आ जाता है 10,000, तो किसान कहाँ से जमा करेगा? तो पहले वाला मीटर चाहिए। और ये जो मिली भगत है इंजीनियर और ठेकेदारों का, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। माननीय बिजेंद्र यादव जी की योजना, हर घर बिजली की योजना, देश भर में इसको सराहा गया। देश के दूसरे राज्य यहाँ सीखने के लिए आए, जानने के लिए आए। तो हम तो आप आंदोलन करिए, हम देखिए अनुरोध कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल केवल और केवल एक काम करे, आंदोलन के साथ अपने समर्थकों को कहे कि अपने घर में लालटेन जलाओ। ये नीतीश कुमार और बिजेंद्र यादव जी का बिजली है, इसका कनेक्शन कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन करिए। बिजली की खपत की सही रीडिंग जरूरी है, लेकिन अगर स्मार्ट मीटर टेक्निकल गड़बड़ी है तो इसे सुधारना चाहिए, क्योंकि बिजली अब बुनियादी जरूरत है और बिल मासिक खर्च जिसका अनाप शनाप बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बिजली के स्मार्ट मीटर के खिलाफ